हेलो दोस्त, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे भी होंगे। ठीक है मित्र, ए लर्निंग विथ दुर्गेश कोचिंग में आपका स्वागत है। आइए आज हम फिर जहां पर इतिहास की चर्चा कर रहे थे उससे आगे चर्चा करेंगे। ठीक है मित्र, जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि इतिहास के एक झलक के रूप में या इतिहास के एक टेलर के रूप में हम चल रहे हैं। प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक भारत तक का इतिहास जो हम अध्ययन कर रहे हैं इस समय, वो किस रूप में अध्ययन कर रहे हैं? इतिहास की संक्षेप झलक या इतिहास का आपके सामने क्या है? एक टेलर है। ठीक है मित्र, तो देखिए इसके पहले मैंने क्या चर्चा किया, थोड़ा सा उसके बारे में आप सुन लीजिए। ठीक है, इसके पहले हमने क्या चर्चा किया था? इसके पहले हमने ये चर्चा किया था कि इतिहास क्या है, इतिहास का महत्व क्या है, ठीक है, और इतिहास के प्रकार क्या हैं। तो इतिहास के प्रकार के संदर्भ में मैंने प्राग, आद्य और ऐतिहासिक काल को डिवाइड किया था। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, और ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में जाकर अवश्य इस चीज़ को देखिएगा अगर आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तब। ठीक है, फिर ऐतिहासिक काल को मैंने प्राचीन काल, मध्यकालीन काल और आधुनिक भारत तीन भागों में बांटकर अध्ययन किया था। फिर प्राचीन काल को मैंने निम्न भागों में बांटा था, और वहाँ प्राचीन काल को मैंने आपको बताया था कि प्राचीन काल जो है वह महाजनपदों के उदय से लेकर अरबों के आक्रमण तक, कहाँ तक मित्र? महाजनपदों के उदय से लेकर अरबों के आक्रमण तक का जो इतिहास होता है लगभग 1200 वर्षों का, वो प्राचीन इतिहास होता है। इसके अंतर्गत मैंने आपको किस किस वंश के बारे में चर्चा किया था? इसके अंतर्गत हमने हर्यक वंश, नाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, मौर्योत्तर वंश, गुप्त वंश, गुप्तोत्तर वंश और हर्षवर्धन के बारे में अध्ययन किया था। ठीक है, और मैंने उनकी तिथि क्या है, उनका कालखंड क्या है, उसके बारे में भी बताया था, और उसके समांतर उस समय दक्षिण भारत में क्या चल रहा था मैंने ये भी बताया था। ठीक है, तो आप उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, लिंक कर पढ़ेंगे तभी मज़ा आएगा। ठीक है, अब दूसरा मैंने मध्यकालीन इतिहास के बारे में बताया। तो मैंने आपको बताया था कि मध्यकालीन इतिहास जो है वो लगभग 1000 वर्षों का इतिहास है। ठीक है, जिसमें मध्यकालीन इतिहास को मैंने दो भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? दो भागों में बांटा था, एक पूर्व मध्यकाल का इतिहास और एक उत्तरवर्ती मध्यकाल का इतिहास। पूर्ववर्ती मध्यकाल के अंतर्गत जो 400 वर्षों का इतिहास है मित्र, उसको मैंने दो भागों में बांटा था, एक त्रिपक्षीय या त्रिकोणात्मक युद्ध जिसके अंतर्गत मैंने 200 वर्षों का अध्ययन उसमें बताया था, और जिसमें तीन वंश मुख्य रूप से भाग लिए थे, एक प्रतिहार वंश, एक पाल वंश, एक राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में देखिएगा। फिर मैंने पूर्व मध्यकाल में सामंतवाद के राजपूतों का काल बताया था। ठीक है, और इसी राजपूत काल में किसका आक्रमण होता है? इसी राजपूत काल में 1001 में महमूद गजनवी का आक्रमण होता है, और अंतिम रूप से राजपूत के काल के अंतिम दौर में किसका आक्रमण होता है? मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है। ठीक है, तो ये भी इतिहास कितने वर्षों का है? 200 वर्षों का ये इतिहास है। और इस राजपूत काल में उत्तर भारत और दक्षिण भारत में कौन सी स्थिति चल रही थी, इसके बारे में भी हमने अध्ययन किया था। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि मोहम्मद गौरी ने किस तरीके से दिल्ली पर कब्जा करके और दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी। ठीक है, यहाँ तक चर्चा हुआ था। इसके बाद उत्तरवर्ती मध्यकाल में, जी हाँ, उत्तरवर्ती मध्यकाल में मैंने आपको दो भागों में बांटकर बताया था। उत्तरवर्ती मध्यकाल को अगर हम देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि ये 1206 से लेकर 1757 का जो एक तरह से के कालखंड है, या तो हम मान लेते हैं कि बहादुर शाह जफर जो मुगल वंश का अंतिम शासक था, वहाँ तक का काल को हम एक तरीके से मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत मान लेते हैं, लेकिन मुख्य रूप से प्लासी के युद्ध तक ही लेते हैं। ठीक है, कैसे लिया जाता है जब डिटेल में पढ़ाएंगे तो वहाँ पे चर्चा करेंगे, यहाँ सिर्फ आपको इतिहास के संक्षेप झलक के रूप में बताया जा रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया, उत्तरवर्ती मध्यकाल को दो भागों में बांटा गया, एक दिल्ली सल्तनत और एक मुगल वंश। जी, दिल्ली सल्तनत में मैंने आपको बताया था कि उसमें पांच वंश होते हैं, और उस पांच वंशों का मैंने क्रमशः नाम लिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था गुलाम वंश, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश,
लोधी वंश और उसके अंतर्गत आने वाले मैंने शासकों के नाम का भी जिक्र किया था और दिल्ली सल्तनत काल में उस समय दक्षिण भारत में क्या हो रहा था उसके बारे में भी हमने चर्चा किया हुआ था। ठीक है, इसके बाद आज जो हमको चर्चा करना है मित्र, वह मध्यकालीन इतिहास का जो उत्तरवर्ती मध्यकालीन इतिहास है उसमें हमको मुगल वंश, और मुगल वंश को दो भागों में मैंने बांटा था, एक परवर्ती मुगल वंश और एक उत्तरवर्ती मुगल वंश। तो आज यहीं से हमको स्टार्ट करना है, आज हमको यहीं से स्टार्ट करना है। तो आइए अब हम इसका अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है मित्र, पिछला वाला वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आगे की चीज़ें आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगी। ठीक, तो देखिए इतिहास को मैंने बांटा था, तो आइए हम डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। पूरा यहाँ पे मैपिंग नहीं बनाएंगे, जो अध्ययन करना है उसी के संदर्भ में बताएंगे। हाँ, लेकिन मेरा कहीं भी लिंक टूटा नहीं है। अगर आप पूरा फ्रेमिंग खींचेंगे तो पूरा बोर्ड में एक साथ लिंक बन जाएगा। ठीक है, ना हो तो पिछले वाला वीडियो को आप देखते हुए आज की वीडियो से जोड़ लेंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं यहाँ पर देखते हैं मित्र कि हम उत्तरवर्ती, जी हाँ उत्तरवर्ती, जो आप ऐसे कह सकते हैं, हाँ उत्तरवर्ती जो मध्यकालीन है, यानी उत्तरवर्ती मध्यकालीन का जो इतिहास है, मध्यकालीन का इतिहास है ये कब से कब है मित्र? 1206 से लेकर, हम मान लेते हैं पूरा, अगर यहाँ पे मुगल वंश लेते हैं तो 1757 भी मैंने लिखा था, लेकिन हम अगर इसको मान लेते हैं तो बहादुर शाह जफर तक ले लेते हैं, तो 1867 तक हम इसको मान लेते हैं एक तरीके से। तो 1206, अब इसके अंतर्गत दिल्ली सल्तनत, जी हाँ दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश, दिल्ली सल्तनत के बारे में मैंने चर्चा किया था कि ये 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत था, और जो मुगल वंश से मित्र ये कब से कब तक था? 1526 से लेकर, अगर हम इसको मान लेते हैं, लगभग 1867 ईस्वी तक, यानी बहादुर शाह जफर तक। ठीक है, तो ये तो फ्रेमिंग मैंने बनाई हुई थी पिछले वाला, तो आज इसके बारे में मैंने संक्षिप्त में चर्चा कर दिया था। तो आज हमको किसके बारे में चर्चा करना है? मुगल वंश। तो इस मुगल वंश को मित्र दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? इसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक हम परवर्ती मुगल वंश और दूसरा उत्तरवर्ती मुगल वंश। ठीक है, उत्तरवर्ती मुगल वंश, क्योंकि मुगल वंश है तो इसके दो ब्रांचेस यहां पे बन गए, एक परवर्ती मुगल वंश और दूसरा उत्तरवर्ती मुगल वंश। देखिए मित्र, परवर्ती मुगल वंश का मतलब मुगल वंश का ऐसा कालखंड जहाँ पर इन लोगों ने भारत में केंद्रीकृत व्यवस्था को बनाए हुए था, और उत्तरवर्ती का मतलब मुगल वंश के वो शासक जिनके समय क्या हुआ था, भारत पूरी तरीके से क्या हो गया था, विकेंद्रीकृत हो चुका था। विकेंद्रीकृत का मतलब ये जितनी भी सामंत शक्तियाँ थी वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देती हैं, और केंद्रीकृत का मतलब जो भी सामंत शक्तियाँ होती थी उन पर जो एक मजबूत सत्ता होता था उनका उन पर क्या होता था, नियंत्रण होता था। ठीक है, तो ये होता है केंद्रीकृत और विकेंद्रीकरण, और इसका मतलब परवर्ती और इसका मतलब उत्तरवर्ती। तो परवर्ती में मुगल वंश में जो जो शासक थे उसको देख लेते हैं। देखिए मित्र, परवर्ती में कौन कौन शासक हैं ये आप इनका क्रम अवश्य याद कर लीजिएगा। तो इसके अंतर्गत देते हैं कौन कौन शासक आते हैं, बाबर, कौन आता है, बाबर आता है। बाबर के बाद यहाँ पर मित्र हुमायूं, बीच में हुमायूं के बाद कुछ समय के लिए शेरशाह सूरी आता है। ठीक है, अभी हम एक एक के बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे, तो हुमायूं को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, शेरशाह सूरी को छोड़ देते हैं, क्योंकि शेरशाह सूरी अलग है। फिर यहाँ पे अकबर, कौन आता है, अकबर। अकबर के बाद जहांगीर,
जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद कौन आता है, शाहजहां के बाद औरंगजेब। औरंगजेब, अच्छा इनका टाइम पीरियड कितना है, इनका टाइम पीरियड परवर्ती का, तो इनका टाइम पीरियड है 1526 से लेकर 1707, यानी औरंगजेब के मृत्यु तक। ठीक है, उत्तरवर्ती के संदर्भ में अगर हम शासकों के बारे में देख लेते हैं तो यहाँ पे कई शासक आते हैं। अच्छा, अब बाबर का टाइम पीरियड कब से कब तक था, तो ये मुख्य रूप से इन्हीं का हम देख लेते हैं। बाबर का टाइम पीरियड जो था 1526 से लेकर 1530 तक, हुमायूं का टाइम पीरियड 1530 से लेकर 1540 तक रहता है, 40 तक। उसके बाद से सासूरी मतलब सूर्य वंश आता है जो लगभग 15 वर्षों तक रहता है, फिर एक साल के लिए हुमायूं फिर बनता है शासक। ठीक है, लेकिन यहाँ तक इसका शासनकाल आप ध्यान रखिएगा 1530 से लेकर 1540। अभी इसके बीच में क्या घटनाएं घटती वो भी हम आपको बता देंगे। अकबर की अगर हम बात कर लेते हैं तो अकबर का शासन टाइम पीरियड जो होता है मित्र, वो 1556 से लेकर 4 साल बैरम खां के संरक्षण में ये रहता है, तो 1605, जी हाँ 1605। और जहांगीर के बारे में बात कर लेते हैं तो जहांगीर 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक, और शाहजहां के संदर्भ में बात कर लेते हैं तो 1627 से लेकर 1658। ठीक है, 1658 ये सब याद होना चाहिए आपको। ठीक है, क्यों याद होना चाहिए, अभी उसका क्या इम्पोर्टेंट वो बताएंगे। औरंगजेब का जो टाइम पीरियड है वो 1658 से लेकर 1707 तक औरंगजेब तक बना रहता है। ये मुगल वंश के या प्रवर्ती मुगल वंश के एक मजबूत शासक माने जाते हैं। जी हाँ, एक मजबूत शासक माने जाते हैं, जिसने कहीं ना कहीं अपनी अपना सत्ता का इन्होंने क्या किया था, साम्राज्य विस्तार किया था, इन्होंने साम्राज्य विस्तार में ज़्यादा ग्रोथ किया था। लेकिन जो बाद के शासक आते हैं, उत्तरवर्ती मुगल वंश के जो शासक होते हैं, उनके समय धीरे धीरे जो मुगल वंश का साम्राज्य होता है वो धीरे धीरे संकुचित होता चला जाता है। तो इनको भी आपको जानना आवश्यक है, इनको जानना आवश्यक है। अगर लिखना चाहें, नोट करना चाहें तो वो भी नोट कर सकते हैं आप। इस चीज़ को मैं बोल दे रहा हूँ, देखिए उत्तरवर्ती में कौन आता है, ध्यान से सुनिएगा, नोट करना चाहें तो नोट करिए। उत्तरवर्ती मुगल वंश में शासक में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम आता है। अब बहादुर शाह प्रथम जो होता है वो 1707 से लेकर 1712 तक बना रहता है। ठीक है, 1712 तक बना रहता है। उसके बाद बहादुर शाह प्रथम के बाद एक साल के लिए जहांदार आता है वो एक वर्ष के लिए बना रहता है, तो 1713 तक वो रहता है। फिर उसके बाद अगला मुगल वंश का शासक फर्रुखसियर आता है। कौन आता है मित्र, फर्रुखसियर आता है, और ये 1713 से लेकर 1719 तक बना रहता है। कितने, 1713 से लेकर 1719 तक बना रहता है। फर्रुखसियर के बाद दो छोटे मोटे शासक आते हैं, जैसे रफी उद दौला और रफी उद रज्जात। ठीक है, इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी आप जानते रहिए, कभी हो सकता है कि उत्तरवर्ती मुगल वंश के शासकों का क्रम पूछ दें तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये 19 तक ही रहते हैं, एक ही साल के अंदर दोनों रहते हैं। इसके बाद आता है मोहम्मद शाह, जी हाँ मोहम्मद शाह आता है। तो मोहम्मद शाह 1719 से लेकर 1748 तक बना रहता है, 1719 से लेकर 1748 तक मोहम्मद शाह बना रहता है। इसके बाद जो अगला शासक आता है मित्र, वो अहमद शाह आता है। कौन आता है, अहमद शाह अब्दाली नहीं, मुगल वंश का शासक, ये जो बना रहता है ये 48 से लेकर 54 तक बना रहता है। एक एक डेट आप याद कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो अहमद शाह बना रहता है 1748 लेकर 1754 तक। अगला जो शासक आता है मित्र, जी हाँ अगला जो शासक आता है वह आलमगीर आता है। कौन आता है, आलमगीर आता है, आलमगीर द्वितीय आता है। आलमगीर प्रथम किसे कहा जाता है,
आलमगीर प्रथम औरंगजेब को कहा जाता था। थोड़ा बहुत कमेंट क्वेश्चन भी लेते चलो ताकि इंटरेस्ट बना रहे। आलमगीर प्रथम किसे कहा जाता है? औरंगजेब को कहा जाता है, और औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। सब डिटेल में पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ संक्षेप में झलक चल रही है तो कुछ क्वेश्चन लेते चलो। तो आलमगीर कब से कब? 54 से लेकर 57 तक बना रहता है, सॉरी 54 से लेकर 59 तक बना रहता है, ठीक है, 54 से लेकर 59 तक बना रहता है। इसके बाद शाह आलम द्वितीय आता है, और शाह आलम द्वितीय कब से कब बना रहता है मित्र? शाह आलम द्वितीय जो होता है वो 1759, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा, 1759 से लेकर 1806 तक शाह आलम द्वितीय रहता है। फिर उसके बाद अगला शासक कौन आता है? अकबर द्वितीय आता है। मुगल वंश का अगला शासन अकबर द्वितीय आता है, और ये 1837 तक बना रहता है। इसके बाद बहादुर शाह जफर आता है, जी हाँ बहादुर शाह जफर आता है, ठीक है, या तो इसे बहादुर शाह द्वितीय भी बोला जाता है। तो इसका शासन कब से कब रहता है? 1837 से लेकर इसका टाइम पीरियड जो माना जाता है, हालांकि 1857 से इसको गद्दी से हटा दिया जाता है, लेकिन इसकी मृत्यु 1867 में होती है, और कहाँ होती है? रंगून में होती है। ध्यान में रखिएगा, मुगल वंश में तीन ऐसे शासक होते हैं जिनका जो मकबरा है वो भारत से बाहर बनाया जाता है। एक तो बहादुर शाह जो लास्ट शासक था, बहादुर शाह जफर, इसका मकबरा रंगून में बनता है, ठीक है, म्यांमार के क्षेत्र में। इसके बाद जो पहला शासक था मुगल वंश का बाबर, उसका काबुल होता है, पहले तो आगरा बना था, फिर कहाँ चला गया? काबुल। और इसके बाद एक कौन है? जहांगीर, जी हाँ जहांगीर लाहौर में, जो पाकिस्तान में पड़ता है। तो ये तीन शासक ऐसे थे, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब होती है? 1867 में। तो यहीं पे मैं ये लिखा हूँ कि मुगल वंश अंतिम रूप से कब समाप्त होता है? 1867 में, ठीक है। लेकिन मध्यकालीन के अगर हम इतिहास की बात करेंगे तो समानता प्लासी के युद्ध तक बात की जाती है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि विभिन्न इतिहासकारों का इसमें मतभेद है कि मध्यकालीन इतिहास कब से कब तक था, ठीक है, सब अपना अपना तर्क देते हैं। तो ये मुगल वंश के शासकों का क्रम आपको याद होना चाहिए, और क्रम के साथ साथ उनका टाइम पीरियड भी आपको याद होना चाहिए। टाइम पीरियड इसलिए याद करना इम्पोर्टेंट है मित्र, कि आखिर इनके समय जो यूरोपीय शक्तियां आ रही थी, उस समय यूरोपीय शक्तियों में क्या चल रहा था, यानी जो घटनाएं यूरोपीय शक्तियों में चल रहा था, तो उस समय मुगल वंश का शासक कौन होता था। इसके अलावा कभी कभी ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जिस समय क्षेत्रीय शक्तियाँ में जो घटनाएं घट रही थी, उस समय मुगल वंश का शासक कौन था, ठीक है। या तो फिर दक्षिण भारत, या तो अन्य जो सामंती शक्तियाँ का प्रमुख राजा हुआ करता था उसके समांतर मुगल वंश में कौन शासक हुआ करता था, इसको भी आपको जानना आवश्यक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कम से कम आपको मुगल वंश के शासकों का क्रम याद होना चाहिए। याद हो जाएगा ना? निश्चित रूप से याद हो जाएगा। तो अब ये देखते हैं मित्र, मुगल वंश के ये शासक हो गए। दिल्ली सल्तनत के बारे में मैंने बता दिया, ये उत्तरवर्ती मध्यकालीन का पार्ट है, मध्यकालीन इतिहास का पार्ट है। पूर्व मध्यकालीन इतिहास का पार्ट मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उसको जाकर यहाँ से लिंक कर लेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट मजबूत होता चला जाएगा। लूसेंट से पढ़ने के बाद ना तो आप किसी को समझा सकते हैं, ना तो आपके दिमाग में कोई चीज़ अस्थाई रह सकती है। जैसा मैं पहले कहता हूँ कि अगर आपको लूसेंट में ढेर सारे तथ्य याद हों, लेकिन अगर उसको आप सिर्फ शब्दों में कर दिया जाए लिखने के लिए, जोड़ के लिए, तो शायद नहीं लिख पाओगे। तो इसका मतलब समझ नहीं, और जब समझ नहीं होगी तो रुचि नहीं होगी, और जब रुचि नहीं होगी तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा, और जब पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा तो तथ्य कितने दिन तक याद रखोगे आप? हमारी बात समझ गए ना? ठीक है, तो पहले पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि ताकि हमारे उस विषय में क्या उत्पन्न हो, रुचि उत्पन्न हो, ठीक है। तो इसी रुचि को उत्पन्न करने के लिए पूरे इतिहास का संक्षेप में झलक या तो आप कर सकते हो इतिहास का संक्षेप में टेलर, क्लियर। अब हम इन्हीं सब के बारे में आइए चर्चा कर लेते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चनों के साथ चर्चा करेंगे ताकि आपके एक समझ बन जाए, ठीक है। आते हैं, देखिए जो भी चीज़ें यहाँ पर हम समझेंगे भारत के मैप के ही माध्यम से समझेंगे, इससे आपकी समझ और अच्छी बनेगी, पकड़ अच्छी बनेगी, और इंटरेस्टिंग भी होगा, ऐसा मेरा विश्वास है, मानना भी है। और आप कैसा महसूस करते हैं ये कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आइए मित्र देखते हैं,
आइए मित्र देते हैं इस चीज़ को रफली है, ठीक है, आपके समझाने के लिए बनाया गया है। थोड़ा से इसको चटक कर दें या गाढ़ा कर दें ताकि आपकी नज़र इस पर गड़ी रहे। ये आपका हो गया भारत का नक्शा। देखिए मित्र, इसके पहले हमने क्या देखा था, इसके पहले हमने ये देखा था कि जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था कौन था, बताइए, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक, जी हाँ, अंतिम शासक कौन था, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक जो था वह इब्राहिम लोदी था, ठीक है। तो आप जानते हो कि दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक था वो इब्राहिम लोदी था, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो वो दिल्ली में शासन कर रहा था, यह आपका विंध्य पर्वत है, ऊपर वाला भाग उत्तर भारत है और नीचे वाला भाग कौन सा है, दक्षिण भारत है। तो यहाँ पर मित्र दिल्ली में शासन इस समय इब्राहिम लोदी कर रहा था। तो जिस समय बाबर यहाँ पर आक्रमण किया था मित्र, बाबर यहाँ पर आक्रमण किया था, तो उस समय यहाँ पर उत्तर भारत में दो महान शासक हुआ करते थे, एक राणा सांगा था, जी हाँ, एक राणा सांगा, वही मेवाड़ का, ठीक है, एक राणा यहाँ पे सांगा था और एक यहाँ पर इब्राहिम लोदी था। और बाबर, जो बाबर था वो बाबर जो था इन्हीं दोनों को परास्त करता है, और इन्हीं दोनों को परास्त करने के बावजूद उसका ये तय हो जाता है कि अब वो भारत में अपनी सत्ता स्थापित करेगा। केवल सत्ता ही स्थापित नहीं करेगा बल्कि उसकी महत्वाकांक्षा जो थी और बढ़ गई थी, वो था भारत में राज्य करना। जी हाँ, बाबर के बारे में संक्षेप में आप सुन लेते हैं। बाबर क्या था, एक अफगानी था, ऐसा कहा जाता था कि जो उसका ब्लड था उसके ब्लड में मंगोलों का और तैमूर दोनों के ब्लड का मिश्रण हुआ मिश्रण था, जिसमें तैमूर के पांचवें वंश के पिता के वंश से बिलोंग करता था, जो तुर्की और ईरान और इराक से ताल्लुक रखते थे, और जो मंगोल थे, मंगोल जो था, मंगोल का जो पक्ष था वो माता का पक्ष था, जो एक 14वां वंशज के रूप में था, ठीक है, संक्षेप में सुनते चले जाइए। इसके बाद ऐसा कहा जाता है कि बाबर के ऊपर उज्बेकों, जी हाँ, उज्बेकों और कुछ विदेशी शक्तियाँ अटैक कर रही थी, जिससे बाबर को अपनी सुरक्षा करने के लिए या अपनी इकोनॉमिक को बेहतर करने के लिए उसे किसी और देश की तलाश थी। तो उसको ये समझ में आया कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर उदारता बहुत ज़्यादा है और इस उदारता को अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाया जा सकता है, ठीक है। तो जिस तरीके से मोहम्मद गोरी जब आक्रमण किया था तो आपस में जयचंद और पृथ्वीराज चौहान लड़ रहे थे एक दूसरे से, उसी तरीके से यहाँ इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच भी भारत में साम्राज्य विस्तार को लेकर आपस में युद्ध हो रहे थे, जिसमें कि एक युद्ध का नाम है आप जानते भी होंगे, खतौली का युद्ध। और खतौली का युद्ध 1518 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें राणा सांगा जो था वो इब्राहिम लोदी को परास्त किया था, ठीक है। राणा सांगा काफ़ी बहादुर था।
फिर इसके बाद बाबर आता है और बाबर के बारे में कहा जाता है कि पानीपत के युद्ध लड़ने से पहले वो वास्तव में 5 युद्ध ऑलरेडी लड़ चुका था। तो बाबर क्या करता है मित्र, बाबर जो होता है संक्षेप में सुनते चले जाइए, बाबर 4 युद्ध लड़ता है जिसमें पानीपत का 1526 में युद्ध लड़ता है, फिर उसके बाद 27 में खानवा का, फिर चंदेरी का युद्ध 1528 में, और इसके बाद अंतिम युद्ध उसका क्या होता है, घाघरा का युद्ध होता है। और ये मध्यकालीन इतिहास का अंतिम युद्ध के नाम से जाना जाता है। मध्यकालीन इतिहास का अंतिम युद्ध कौन था, घाघरा का ही युद्ध था, ठीक है, जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया था, ठीक है, ये चीज़ आप जानते रहिएगा। तो एट लास्ट में बाबर की 1530 में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 1530 में क्या हो जाती है, बाबर के मृत्यु हो जाती है, और बाबर के मृत्यु के उपरांत अगला उत्तराधिकारी जो बनता है वो हुमायूं बनता है। कौन बनता है, हुमायूं बनता है। तो हुमायूं अपने बाप से किए गए वादों को पूरी तरीके से निभाने के लिए कटिबद्ध था, और उसका ज्योतिष में बहुत ज़्यादा विश्वास होता था, वो ज्योतिष में विश्वास करता था, मानता था, सातों दिन सात कपड़े वो रंग बदल के पहनता भी था। हुमायूं के लिए बहुत बड़ी चुनौतियाँ थी, पहली चुनौतियाँ तो उसके अपनों के बीच में थे कि जो उसके अपने भाई थे उन भाइयों में अपना कह सकते हैं मुगल वंश का साम्राज्य का विस्तार कैसे किया जाए, इसको लेकर आपस में उसको द्वंद्व था। और दूसरी वही तरफ से सासुरी की भी निगाहें थी कि मुगल सत्ता पर हम क्या करें, अपना शासन स्थापित किए। एट लास्ट में शेर शाह सूरी सफल भी हो जाता है, हुमायूं ने भी काफ़ी युद्ध लड़े थे, उसके द्वारा कालिंजर का युद्ध हुआ था हुमायूं के ही समय, फिर दोहरिया का हुआ था, फिर गुजरात के शासक बहादुर शाह से भी उसका युद्ध हुआ था, जी हाँ, इसके बाद शेर शाह सूरी से चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था। ये युद्धों का क्रम है, कभी कभी आपसे पूछ देता है कि कौन युद्ध और किसके बीच लड़े हुए थे, लेकिन अंतिम रूप से जो हुमायूं था वो हुमायूं परास्त हो जाता है, जी हाँ, हुमायूं परास्त हो जाता है, और हुमायूं के परास्त होने के बाद शेर शाह सूरी गद्दी पर बैठ जाता है। तो शेर शाह सूरी पूरी तरीके से मुगल की सत्ता को उखाड़ फेंकता है, किसी भी तरीके हुमायूं अपनी जान बचाता है और अमरकोट में जाकर वो शरण लेता है, जी हाँ, वहाँ पर शरण लेता है, अमरकोट में शरण लेता है, वीरसाल के महल में शरण लेता है, और वहीं पर हमीदा बानो बेगम से शादी करता है। फिर उसी से अकबर क्या होता है, अकबर उत्पन्न होता है, लगभग 1541-42 के आसपास उसका जन्म होता है, अकबर का जन्म होता है, ये चीज़ आप थोड़ा सा जानते रहिएगा। हुमायूं लगभग 15 साल तक निर्वासित रहता है। शेर शाह सूरी की मृत्यु 1545 में कालिंजर के युद्ध में लड़ते समय हो जाती है, हालांकि बारूद का एक गोला होता है जो दीवार से टकरा कर उसके पास आता है, गिरता है, और वो काफ़ी दिनों तक जख्मी रहता है, उसके बाद उसका मृत हो जाता है, जी हाँ, ऐसा कहा जाता है। लेकिन शेर शाह सूरी का भी भारत के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है, और इसी बड़े के योगदान होने के कारण शेर शाह सूरी को पूर्वगामी अकबर भी कहा जाता है, जी हाँ, शेर शाह सूरी को पूर्वगामी अकबर भी कहा जाता है। 1545 में मित्र अकबर की शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाने के उपरांत जो सूरी वंश था वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता था, उसका अगला उत्तराधिकारी इस्लाम शाह बनता है, लेकिन वो बहुत दिनों तक टिक नहीं पाता है। 1553 तक सूरी वंश को मेंटेन किया रहता है, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है, तो अलवैस उसका उत्तराधिकारी बनता है, जिसकी हत्या आगे चलकर आदिल शाह कर देता है, जी हाँ, आदिल शाह उसकी हत्या कर देता है। लेकिन आदिल शाह के दरबार में प्रधानमंत्री के पद पर, आप कह सकते हो प्रधानमंत्री के पद पर हेमू रहता था, जिसका अपॉइंटमेंट किसने किया था, इस्लाम शाह ने किया था। हेमू क्या था, एक तरीके से हेमू एक बनिया था, और ये कबाड़ी का दुकान करता था, लेकिन ये कबाड़ी का मतलब ये है कि ये नमक बेचा करता था, और इसी नमक बेचने के दौरान इस्लाम शाह इसको माप तोल के लिए रखा हुआ था, लेकिन ये अपने योग्यता कुशलता और निपुणता के वजह से धीरे धीरे अपनी धास या उसमें जमाता रहता है, ठीक है, अपनी पहचान मेंटेन कर लेता है। इसी पहचान के मेंटेन होने की वजह से जो आदिल शाह रहता है इसको मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त कर देता है। तो ध्यान में रखिएगा मित्र, मध्यकालीन इतिहास में दो ऐसे शासक थे जो उच्च पद को प्राप्त किए थे, एक टोडरमल और दूसरा हेमू। हेमू तो एक ऐसा शासक था जो मध्यकालीन इतिहास के 350 वर्षों में कहा जाता है ये दिल्ली सल्तनत ये क्या नाम है भारत की सत्ता पर क्या किया था, शासन किया था, ठीक है, ये आप थोड़ा सा जानते रहिएगा। ये भी कुछ समय के लिए एक ऐसा हिंदू था जो भारत का बादशाह बना हुआ था, ठीक है, ये आप जानते रहिएगा। लेकिन हेमू की दुर्भाग्यवश से क्या हो जाती है, पानीपत के द्वितीय युद्ध में क्या हो जाती है, पानीपत के द्वितीय युद्ध में 1556 में युद्ध लड़ा जाता है, इसमें हेमू की मृत्यु हो जाती है।
इसके पहले दो छोटे युद्ध भी होते हैं आपस में, जैसे पानीपत के युद्ध के पहले आप देखेंगे मछुआरा का युद्ध होता है, सरहिंद का युद्ध होता है, तो ये युद्ध का क्रम भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे मछुआरा का युद्ध या सरहिंद या पानीपत, ये युद्धों का क्रम पूछा जाता है, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसमें भी जो मछुआरा का युद्ध होता है, तो मछुआरा का युद्ध जो होता है वह सूरी वंश के ही शासकों के बीच में होता है, ठीक है, आपस में उत्तराधिकारी को लेकर। उसके बाद जो सरहिंद का युद्ध होता है वह बैरम खां से और सूरी वंश के लोगों से होता है, और जो पानीपत का युद्ध होता है वह हेमू से और बैरम खां के बीच युद्ध होता है। दुर्भाग्यवश से ऐसा बताया जाता है कि हेमू की मृत्यु हो जाती है, इस प्रकार से फिर मुगल सत्ता क्या हो जाती है, भारत में स्थापित हो जाती है, और यहीं से अकबर का शासनकाल चलता है, ठीक है। अकबर एक ऐसा शासक था जो मुगल वंश में सहिष्णु शासक के रूप में जाना जाता था। इसने इतने कार्य किए और धीरे धीरे जितने भी उत्तर भारत में सामंती शासक थे, जो अपने आप को स्वतंत्र किए थे, उनको धीरे धीरे युद्ध के माध्यम से, वैवाहिक संबंध के माध्यम से, मित्रता के माध्यम से अपने साम्राज्य में क्या किया, विलय किया। जिनको जो नहीं मानते थे तो उनके ऊपर क्या करता था, वो विवाह का प्रस्ताव भेजता था, और जो विवाह कर लेता था तो विवाह करने के उपरांत मित्रता का संबंध हो जाता था, लेकिन अगर कोई वैवाहिक संबंध नहीं स्थापित करता था तो उनके ऊपर वो क्या करता था, युद्ध करता था। कौन? अकबर। तो अकबर ने इस तरीके से अपने साम्राज्य के विस्तार को क्या किया, मजबूत किया और उसको सुदृढ़ भी बनाया। इसी को मेंटेन करते हुए जहांगीर और शाहजहां आगे बढ़ते गए। औरंगजेब यहाँ तक था कि औरंगजेब एक ऐसा शासक था कि जो न केवल उत्तर भारत बल्कि उसने पूरे दक्षिण भारत में भी अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था। औरंगजेब के बारे में ये भी बताया जाता था कि ये मैसूर से भी, यानी मैसूर के इलाके वाले से भी ये टैक्स वसूला करता था, लेकिन ये कब संभव हुआ, जब शिवाजी की मृत्यु हो गई थी तब, नहीं तो फिर कभी ऐसा मौका नहीं था कि औरंगजेब का संपूर्ण दक्षिण भारत पर साम्राज्य का विस्तार हो सके। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, औरंगजेब की जैसे ही मृत्यु होती है 1707 में, वैसे कहा जाता है कि जो मुगल वंश की सत्ता थी वो ताश के पत्ते की तरह क्या हो गई, बिखर गई। ऐसा क्यों बिखर गया, क्योंकि ऐसा ये भी माना जाता है कि जो औरंगजेब था वो काफ़ी ज़्यादा कट्टरवादिता था, वो काफ़ी चीज़ों पर पाबंदी लगा दिया था, और जिससे लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश बना हुआ था। एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि सांप्रदायिकतावाद का बीज जो था कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाल दिया गया था। ऐसा माना जाता है कि मुगल वंश में सबसे ज़्यादा मंदिरों को तोड़ने वाला कौन था, औरंगजेब था। और इसके समय ये भी बताया जाता है कि मंसबदारों की संख्या बहुत अधिक थी, इसमें मंसबदारों के पदों पर हिंदू सबसे ज़्यादा बैठे हुए थे, बट उच्च पदों पर यहाँ कोई भी मंसबदार नहीं था। लेकिन अकबर के समय मनसब पर कुछ हिंदू उच्च पदों पर हुआ करते थे, जैसे आपने नाम सुना होगा टोडरमल का, आपने नाम सुना होगा तानसेन का नाम सुना होगा, उसने नौ रत्नों में कुछ ऐसे रत्न हुआ करते थे जो उच्च पदों पर कार्य किया करते थे। और अकबर जो था वो सभी धर्मों को सम्मान देने के लिए इबादत खाना जैसे और दीने इलाही जैसे या सुलह कुल जैसे नीतियों को उसने लागू किया था, इसीलिए शायद कहा जाता है कि अकबर जो था वो मुगल वंश का महान शासक था। लेकिन औरंगजेब के संदर्भ में ऐसा नहीं कहा जाता, हाँ लेकिन औरंगजेब के संदर्भ में ये कहा जाता था कि व्यक्तिगत रूप से वह बहुत सही व्यक्ति था, अगर कहा जाए कि इस्लाम धर्म के अकॉर्डिंग पूरी तरीके से शासन करने वाला, जो भी उसमें कट्टरवादिता हो जो भी हो, वो व्यक्तिगत रूप से एक अच्छा शासक के रूप में जाना जाता था। लेकिन अगर एक साम्राज्य एक लोकतांत्रिक रूप से देखा जाए या तो एक धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष की भावना को देखा जाए तो उतना ज़्यादा प्रासंगिक नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके से देखते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है तो मुगल वंश की जो साम्राज्य विस्तार था या तो जो सत्ता था वो ताश के पत्ते की तरह बिखर गया, तो जिसका फायदा जितने भी सामंती शक्तियाँ थे उन्होंने फायदा उठाना चालू कर दिया। फायदा उठाने का मतलब कि धीरे धीरे राजपूत अपने आप को स्वतंत्र करने लगे, जाट अपने आप को स्वतंत्र करने लगे, अवध के नवाब अपने आप को स्वतंत्र करने लगे, बंगाल के नवाब अपने आप को स्वतंत्र करने लगे, यानी सब अपने आप को क्या करने लगे, स्वतंत्र घोषित करने लगे। तो बस सिर्फ आप ऐसे कह सकते हो कि औरंगजेब के मृत्यु के बाद जो मुगल वंश के जो उत्तराधिकारी बने वह संरचनात्मक रूप से मुगल वंश के बादशाह तो जरूर थे, लेकिन प्राकार्यात्मक रूप से देखा जाए
तो उनका उत्तर भारत पर या भारत के साम्राज्य पर कोई विशेष नियंत्रण नहीं हो पाया था। और ऐसे स्थिति का फायदा सबसे ज़्यादा उठाने वाले कौन थे? सबसे ज़्यादा फायदा उठाने वाले ऐसे स्थिति में यूरोपीय शक्तियाँ थी, और विशेषकर इसका फायदा किसने उठाया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया था। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से इस डेट को देख लेते हैं कि आखिर में जिस समय मुगल वंश के बादशाह यहाँ पे थे तो उस समय दक्षिण भारत में किस तरह की स्थितियाँ चल रही थी, या तो फिर यूरोपीय शक्तियों का किस तरीके से भारत में प्रवेश हो रहा था। संक्षेप में वो भी चीज़ें आपको बता दी जाए ताकि आपके आपका क्या हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर होने का मतलब कि संक्षेप में सुन लेंगे तो आपको ये लग जाएगा, हाँ यार ये तो मैंने सारी चीज़ें पढ़ा था, लेकिन ये चीज़ें इस तरीके से पढ़ी जाती है, ये बहुत कम ही अभी सीखा था। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इस चीज़ को। देखिए मित्र, अगर हम बात कर लें बाबर की, जी हाँ, आपने देखा कि बाबर ने किस तरीके से इब्राहिम को और राणा सांगा को परास्त किया, किस युद्ध में परास्त किया, खानवा के युद्ध में इनको, पानीपत के युद्ध में इनको। ठीक है, तो वो सब डिटेल में लेक्चर जब होगा तो वहाँ पे बताया जाएगा, यहाँ तो सिर्फ टेरर चल रहा है और संक्षेप में झलक चल रही है। ठीक है, तेज़ी से इसको ख़त्म होने के बाद तब जो मेरा उद्देश्य पढ़ाने का, एक वीडियो मेरा प्राचीन इतिहास का आएगा, एक वीडियो मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए मित्र, जिस समय बाबर था, अगर हम बाबर की बात करें, आप ध्यान से सुनिएगा, बाबर कब था? बाबर की बात करें तो 1530 से लेकर 1526 से लेकर 1530 तक बाबर शासन किया। तो इस समय दक्षिण भारत में क्या हो रहा था? ठीक है, तो आप जरा जाइए दक्षिण भारत में, जाइए दक्षिण भारत में क्या था और उत्तर भारत में भी क्या था। तो आप जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में, मैंने आपको बताया था, दो चीज़ें ध्यान रखिए, सिर्फ दो चीज़ें ध्यान रखिएगा। एक तो आप ध्यान रखिएगा, जब तैमूर लंका आक्रमण 1398 में हुआ था तो कहीं ना कहीं उत्तर भारत की क्षेत्रीय शक्तियां अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दी थी, पहला चीज़। दूसरा चीज़, दक्षिण भारत में दो महान साम्राज्यों का उदय हो गया था, वो किसके समय? MBT के समय ही हो गया था, और कौन कौन थे? बहमनी साम्राज्य और विजयानगर साम्राज्य। ठीक है, ये चीज़ तो आप जानते हैं। तो अब यहाँ पर क्या था कि अगर हम देख लें, मैंने कहा था कि कृष्णा नदी, ये तुंगभद्रा नदी मान लेते हैं, ये कृष्णा नदी की सहायक नदी, तो ये रायचूर का पठार है, इसी को लेकर, और यहाँ पे जो थे विजयानगर थे, हम्पी में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई हुई थी मित्र, विजयानगर, और यहाँ पे देखेंगे बहमनी साम्राज्य थे। ठीक है, तो बहमनी साम्राज्य, इस चीज़ को भी आप थोड़ा से ध्यान में रखते चलिए, बहमनी साम्राज्य और विजयानगर साम्राज्य। तो आपको मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि जो बहमनी साम्राज्य था, ये बहमनी साम्राज्य आगे चल के पांच भागों में टूट जाता है, एक बरार और दूसरा गोलकुंडा और एक बीजापुर, एक अहमदनगर और एक था आपका बीदर। जी हाँ, बीदर, ये पांच भागों में टूट जाता है। और वहीं पर अगर हम संगम की बात कर ले, जी हाँ, अगर हम इसकी बात कर ले विजयानगर, तो ये विजयानगर साम्राज्य चार वंशों में बढ़ जाता है, एक संगम वंश, संगम युग मौर्योत्तर काल में था, यहाँ पे हम संगम वंश की बात कर रहे हैं, और ये विजयानगर का भाग है, एक संगम वंश, दूसरा तुलु वंश, तीसरा सुलु वंश, तुलु और सुलु, और एक और था विजयानगर साम्राज्य में आरवीडु वंश। देखिए मित्र, ये विजयानगर में ये चार वंशों की जिक्र किया जाता है, और बहमनी साम्राज्य में इनका भी जिक्र किया जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब इसके अंतर्गत कई इंपॉर्टेंट शासक यहाँ पर भी आते हैं, लेकिन जब ये डिटेल में पढ़ाया जाएगा तब उस चीज़ को पढ़ाया जाएगा। बस फिलहाल आप इतना जानिए कि बाबर के समय भी बहमनी साम्राज्य और विजयानगर साम्राज्य अपने अस्तित्व में बने हुए थे। आपको याद होगा बाबरनामा में जो बाबर ने हुमायूं को क्या कहा था कि बेटा दक्षिण भारत का एक शासक है, उस शासक से बच के रहिएगा। और तुलु वंश का शासक कौन था? तुलु वंश का शासक कृष्णदेव राय था, जिसका जो शासन पीरियड टाइम में लगभग 1503 के आसपास आया था, और लगभग 1529 में उसकी क्या हो गई थी? मृत हो गई थी। उतने समय बना था, यानी कृष्णदेव राय एक समय बाबर के ही समय था। उस समय
विजयनगर बहमनी सम्राट से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग था, लेकिन कृष्णदेव राय के मृत होने के बाद आगे चलकर 1565 में जो बहमनी सम्राट था वो विजयनगर सम्राट को पूरी तरीके से क्या कर देता है, ध्वस्त कर देता है, पूरी तरीके से क्या करता है, ध्वस्त कर देता है। ठीक है मित्र, इतनी चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पर ध्वस्त कब करता है, ध्वस्त बहमनी सम्राज्य हावी हो जाता है विजयनगर सम्राज्य को कब ध्वस्त करता है, 1565 में। कब मित्र, 1565 में, 1565 में, यानी कि इनका आपस में युद्ध चल रहा था और मुगल वंश का राजपूतों से और जो उत्तर भारत के लोग थे उनसे चल रहा था और इनका आपस में चल रहा था। अभी यहाँ पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं हो पा रहा था। 1565 की बात करें तो मुगल वंश में आप बताओ 1565 में किसका शासनकाल था, अभी मैंने बताया 1565 में मुगल वंश में शासन कौन कर रहा था। तो आपको याद होगा कि 1565 में यहाँ पर अकबर का शासनकाल चल रहा था। किसका, अकबर का, जी हाँ अकबर का यहाँ पर शासनकाल चल रहा था। और इस समय 1565 में ही तालीकोटा का युद्ध होता है और इस तालीकोटा में जो बहमनी सम्राज के लोग थे वो विजयनगर सम्राज को बुरी तरीके से परास्त किए, जिसके वजह से इनका क्षेत्र इधर भी बढ़ गया था। लेकिन हाँ, अस्तित्व अभी पूरी तरीके से इनका समाप्त नहीं हुआ। इनका विजयनगर के जो छोटे छोटे वंश थे ये लगभग अपने आप को मित्र 1649 तक बनाए हुए थे और बहमनी सम्राज तो लगभग 1687 तक इनका अस्तित्व बना था, 1687 तक, और इनका विजयनगर का लगभग 1649 तक अस्तित्व बना रहा। लेकिन हाँ 1565 में विजयनगर बहमनी सम्राज विजयनगर पर हावी हो गया था। तालीकोटा का युद्ध जब दक्षिण भारत में होता था तो उत्तर भारत में उस समय अकबर का शासन था। इसका मतलब ये हुआ कि धीरे धीरे दक्षिण भारत की जो दो मजबूत शक्तियाँ थीं ये आपस में लड़ती गईं और कमज़ोर होती गईं और उधर अकबर उत्तर भारत में अपनी सत्ता का विस्तार करता चला जा रहा था, वो केंद्रीकृत शक्तियाँ स्थापित करता चला जा रहा था। लेकिन यहाँ आपस में लड़कर ये लोग धीरे धीरे विकेंद्रीकृत की तरफ बढ़ रहे थे। केवल इतना ही नहीं, आगे चल के जो बहमनी सम्राज की ये सब आपस में जो भाग निकले हैं ये सब भी आपस में लड़ने लगे और जो विजयनगर के जो ये सारे पार्ट थे ये भी कहीं ना कहीं आपस में लड़ने लगे। यही कारण था कि जिस समय अगर आप देखेंगे वास्को डिगामा की अगर हम बात कर लें, क्योंकि इसकी शक्ति की स्थापना बहमनी सम्राज विजयनगर की स्थापना कब हुई थी आप बताओ, कब हुई थी, मैंने लिखवाया था ना बहमनी सम्राट 1347 और विजयनगर 1336, और वास्को डिगामा कब आया था, वास्को डिगामा भारत में कब आया था, 1498 में आया था। तो वास्को डिगामा 1498 में आया था मित्र, तो जरा सोचिए कि 1498 का क्या सिचुएशन था, 1498 में क्या सिचुएशन था कि ये दक्षिण भारत में सब आपस में लड़ रहे थे। तो यहीं पर वो आकर देखा तो इसने ये देखा कि कहीं ना कहीं सारी शक्तियाँ आपस में लड़ रही थी और इसका फायदा उठाया जा सकता था। क्यों, क्योंकि हर शक्तियाँ उस समय ये सोच रही थी कि हमको किसी बाहरी शक्ति से सहायता मिले जिससे कि हम आंतरिक शक्ति पर हावी हो सकें। इनकी ज़रूरत थी और उनकी आवश्यकता थी, उनकी आवश्यकता थी कि हमको यहाँ पर साम्राज्य का विस्तार करना है, और इनकी ज़रूरत क्या थी, इनकी ये ज़रूरत थी कि कोई बाहरी शक्ति आए और साम्राज्य का विस्तार करे। इतनी बात समझ में आई। वास्को डिगामा जब आया तो इसी मैसेज को लेकर कहाँ चला गया, यूरोपे में, अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाते हुए अटलांटिक महासागर सोकर वो आया था ना, भारत की खोज किया था, भारत की खोज नहीं किया था एक्चुअली में। भारत तो सभ्यता तो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है, 5000, इसने दुनिया की खोज किया था, तो इसकी खोज कौन करेगा, आने का मार्ग का खोज किया गया था, सब डिटेल से पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ मैं तुलनात्मक रूप से आप इसलिए, और जिस समय वास्को डिगामा आया था उस समय यहाँ पे कौन शासन कर रहा था बताइए, 1498 में यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में कौन शासन कर रहा था, तो सिकंदर लोदी कर रहा था। और उस समय वास्को डिगामा जब आया तो दक्षिण भारत में आपस में लड़ रहे थे और ये मैसेज हो जाकर वहाँ पर फैलाता है, अरे यार वो सब आपस में ही लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं, वहाँ आसानी से फ़ायदा उठाया जा सकता है। और इससे पुर्तगालियों का हौसला और बुलंद हुआ और वो आए भी, वो आए भी। और इधर
उत्तर भारत में भी कोई खास स्थिति नहीं थी। अकबर से पहले और एमबीटी के बीच तैमूरलंग के आक्रमण के बाद इधर भी कोई खास स्थिति नहीं थी। यही कारण था कि अरबी लोग, जो अरब के लोग थे, उन्होंने फायदा बहुत उठाया था, पूरा अरब सागर महासागर पर कब्जा किया हुआ था। क्यों? क्योंकि इसके बीच में कोई महाशक्ति थे ही नहीं भारत में। आया कौन? अकबर आया। तो अकबर उत्तर भारत में केंद्रीकृत करना प्रारंभ किया ना, दक्षिण भारत में तो विघटन हो रहा था। तो 1565 में यहाँ पे किसका शासन था? अकबर का था। ठीक, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। अब हम आगे देखते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे मित्र, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं, अब हम देख लेते हैं कि आपको याद होगा कि जहांगीर के शासनकाल के बारे की सिचुएशन हम देख लेते हैं। अब हम आते हैं जहांगीर, जहांगीर के अगर हम बारे में देखें तो जहांगीर के बारे में अगर हम देखें तो इसका दौर कब से कब था? 1605 से लेकर 1605 से लेकर कब तक था? 1605 से लेकर 1627 तक था। अब इसके टाइम पीरियड में क्या हो रहा था, इसके टाइम पीरियड में क्या हो रहा था, ये भी देख लेते हैं। देखिए, पहली चीज़, अकबर के मृत होने के बाद अगला उत्तराधिकारी कौन बना था? जहांगीर। अब इकलौता लड़का था तो जाहिर सी बात है उत्तराधिकार को लेकर बहुत ज़्यादा तो युद्ध हुआ नहीं होगा। अकबर को तो आसानी से सत्ता प्राप्त हो गई थी। ठीक है, अब अकबर जिस समय था तो आपको थोड़ा सा दिमाग में होना चाहिए कि अकबर यहाँ पर जिस समय आया तो इस समय स्थिति क्या थी। तो आपको पता होना चाहिए कि अकबर के ही समय कई अंग्रेजी यात्री आते हैं और ये प्रस्ताव लेकर आते हैं कि मुझे यहाँ पर व्यापार करना है, अपनी कोठी स्थापित करना है, जिसमें किसका नाम फेमस है? हॉकिंस का नाम फेमस है और टॉम्स मुनरो का नाम फेमस है 1615 में और 1608 में। हालांकि जब अकबर का शासनकाल था तभी वो प्रस्ताव अकबर के नाम को लेकर आया था, लेकिन पहुँचते पहुँचते अकबर के यहाँ पर क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर अपनी कोठी स्थापित करने आई तो वो इतना आसान नहीं था स्थापित करने। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले से ऑलरेडी पुर्तगालियों और डचों ने कब्जा किया हुआ था, पुर्तगालियों और डचों ने कब्जा किया हुआ था और ये आपस में कहीं ना कहीं भीड़ भी रहे थे। और लेकिन सहारा किसका ले रहे थे? सहारा ले रहे थे यहाँ के शासकों का। जहांगीर तो हावी था, जहांगीर को तो बहुत ज़्यादा दबाव या घुस देकर दबाव नहीं डाला जा सकता था। लेकिन जो इस समय, जिस समय दक्षिण भारत में जहांगीर का शासन था, उस समय दक्षिण भारत में कोई मजबूत शासक नहीं था। यहाँ के शासकों से लोग बहुत ज़्यादा फायदा उठाते थे, इसलिए देखेंगे इस दौरान सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लोगों ने इधर ही स्थापित करना प्रारंभ किया। और दूसरी तरफ ये सारे समुद्र के किनारे हैं, समुद्री मार्ग करने में समुद्री मार्ग के माध्यम से व्यापार करना और ज़्यादा आसान था। लेकिन ये भी तो उपजाऊ क्षेत्र थे बंगाल वगैरह, इस पर उन्होंने अभी अटैक करना प्रारंभ नहीं किया था। लेकिन आगे क्या होता है कि धीरे धीरे पुर्तगाली सत्ता कमज़ोर पड़ने लगती है। क्यों पड़ने लगती है वो सब डिटेल में चर्चा किया जाएगा। पुर्तगाली कमज़ोर पड़ने लगता है, जब पुर्तगाली कमज़ोर पड़ने लगता है तो अंग्रेज़ों से हाथ मिला लेता है, और जब अंग्रेज़ों से हाथ मिला लेता है तो अंग्रेज मजबूत हो जाते हैं, और जब अंग्रेज मजबूत हो जाते हैं तो धीरे धीरे वो डचों को क्या कर देते हैं? धीरे धीरे डचों को धीरे धीरे अप्रभावित करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इधर अंग्रेज हावी हो रहे थे और इधर कहीं ना कहीं जो अंग्रेज के प्रतिद्वंदी थे वो भी कमज़ोर हो रहे थे। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जहांगीर के मृत्यु के बाद शाहजहां आता है, और शाहजहां के जो लड़के थे, शाहजहां के जो लड़के थे, उन लड़कों में उत्तराधिकार की को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्या चलता है? युद्ध चलता है, काफ़ी ज़्यादा युद्ध चलता है। और फिर युद्ध चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है, विकेंद्रीकृत व्यवस्था नहीं आती है, औरंगजेब आगे चलकर मेंटेन कर लेता है, औरंगजेब आगे चलकर मेंटेन कर लेता है और काफ़ी अच्छे मेंटेन किया रहता है। तो ये समय थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। अगला जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर देखेंगे तो आप देखेंगे शाहजहां, जहांगीर के बाद क्या आते हैं? शाहजहां।
शाहजहां के समय भी कोई विशेष स्थिति यहाँ मजबूत नहीं होती थी, लेकिन हाँ दक्षिण भारत में शाहजहां के समय धीरे धीरे मराठों का उदय हो रहा था, मराठों का उदय हो रहा था। तो अब मराठों का उदय हुआ, लेकिन आमना सामना किससे हुआ? मुगल और मराठा। अब देखते हैं कि मुगल और मराठा, मुगल में एक्चुअली में किसकी बात, औरंगजेब की बात यहाँ पे होगी, और किसकी बात कर लेते हैं हम, मराठा का महान शासक कौन थे, शिवाजी, शिवाजी भोसले। ये इसका मतलब ये कि जहाँ यहाँ पर बहमनी साम्राज्य मजबूत हुआ करते थे, बहमनी साम्राज्य के जो प्रांतीय क्षेत्र मजबूत हुआ करते थे और विजयनगर होते थे, अब इस समय औरंगजेब के समय शिवाजी का जन्म कब हुआ था, शिवाजी का जन्म लगभग 1627 में हुआ था और इनकी मृत्यु लगभग 1680 में हो जाती है, ठीक है। और औरंगजेब का जो शासन टाइम पीरियड रहता है मित्र, वो 1658 से लेकर लगभग 1707 में रहता है। लेकिन आपको याद होगा 1707, आपको याद होगा कि जिस समय शाहजहां गद्दी पर बैठा रहता है, भले ही 1658 पर गद्दी पर बैठा हो, लेकिन औरंगजेब इस समय दक्षिण भारत में प्रवेश कर चुका था और दक्कन में वो गवर्नर के रूप में था, और दारा सिंह को जो शाहजहां का बड़ा लड़का था वो तो आगरा में ही था, लेकिन ये दक्कन पे नेतृत्व कर रहा था और यहीं पे मराठों का उदय हो रहा था। इसने बीजापुर और गोलकुंडा को तो दबाया हुआ था, लेकिन उत्तराधिकारी के युद्ध के समय ये फिर वापस चल जाता तो फिर बीजापुर और गोलकुंडा अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं, और यहीं पर एक नई शक्ति उभर जाती है। वो कौन सी शक्ति? मराठा शक्ति। उत्तराधिकार के युद्ध के लेकर औरंगजेब बहुत ज़्यादा टेंशन में था। अगर रजामंदी से बात बनी जाती तो शायद बीजापुर और गोलकुंडा अपने आप को स्वतंत्र नहीं कर पाते और मराठा शक्ति का उदय भी नहीं हो पाता था, क्योंकि औरंगजेब बहुत कट्टर था। वो अपने इधर के क्षेत्र को मजबूती करने के चक्कर में इधर मराठा लोगों ने क्या किया, लाभ उठा लिया, ठीक है मित्र। तो नेक्स्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम फिर आपको मुगल शासक औरंगजेब और शिवाजी, यानी मुगल और मराठा के बीच में कैसा संबंध था, मुगल और यूरोपीय के शक्तियों के बीच में कैसा संबंध था, या उत्तर भारत में कैसी स्थिति बनी, इसकी भी चर्चा हम संक्षेप में करेंगे आपके सामने। तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि यह आपको वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है मित्र। देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए थोड़ी सी बातें इधर उधर होती है तो उसको एडजस्ट करिए, आपको बस चीज़ें समझ में आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा यहाँ पर उद्देश्य है कि इतने बड़े विषयों को कम से कम समयों में आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर करवा दिया जाए, नहीं तो मैं आपको बता दूँ पूरे लूसेंट आप पढ़ डालिए। अगर आपसे इस तरीके से पूछ दिया जाए कि यहाँ पर ये हो रहा था तो वहाँ पर क्या हो रहा था, तो बड़ा आपको कन्फ्यूजन की स्थिति हो सकती है, लूसेंट कभी नहीं क्लियर कर पाएगा आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है। या फिर एक एक टॉपिक अगर आपके सामने लेकर आए तो सोचिए, इतिहास इतना बड़ा सब्जेक्ट है, अगर उसकी एक एक क्लास करके जाए तो 300 टॉपिक बनेगी अच्छे तरीके से। अब एक ही टॉपिक पढ़कर जब आप 50वें टॉपिक में जाएंगे तो पीछे के तो 10 टॉपिक क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, तो कैसे लिंक स्थापित कर पाओगे? और क्या यही समान अध्ययन में पढ़ना है, और तो विषय हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आप जो पढ़े हो या जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो पहले एक झलक आपको उसकी दिखा दी जाए तो जोड़ने में थोड़ी सी जवान हकलाएगी तो ज़रूर, ठीक है मित्र। फिर नेक्स्ट टाइम आप से फिर मिलते हैं, इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।